हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में। आज का ये पर्टिकुलर सेशन आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाने का नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत से इंट्रोड्यूस कराने का है जिन्होंने हाल ही में सीपीयू का एग्जाम दिया, उसको क्रैक किया और अब सीपीयू के आगे की प्रिपरेशन यानी कि आगे का फिजिकल एंड मेंस वगैरह के लिए यहाँ पर आगे लगे हुए हैं। तो हम इनसे बात करेंगे। हमारे साथ हैं शिवम, जो आपको बताएंगे अपनी सारी की सारी स्ट्रेटजी, क्या डिफिकल्टी इन्होंने फेस करी और भी बहुत सारी चीज जो आपके जनरली सवाल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर सक्सेस। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो आपकी पहली अचीवमेंट के लिए। और हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जानना चाहेंगे कि आपकी ये जो पहली अचीवमेंट रही वो कैसा महसूस हुआ आपको जब आपको पता चला कि आपका प्रीलिम क्रैक हो गया है। शिवम सर, हमने एज ए स्टार्टिंग हमने 2020 मतलब स्टार्ट किया था, प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। हालांकि मतलब कि मैथ्स और इंजीनियरिंग तो काफ़ी ठीक था, बट इंग्लिश का जो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म था मतलब कि मेरे को मिल नहीं पा रहा था ढंग से, मतलब कि वो कैब में थोड़ा सा फिलर्स में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। फिर आपके थ्रू वीडियोस मैंने मतलब कि देखना स्टार्ट किया था मतलब कि यूट्यूब पर। फिर उसके बाद मैंने अनअकैडमी में ज्वाइन किया तो सर आपके थ्रू मैंने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, काफ़ी ज़्यादा बेसिक जो मेरे काफ़ी ज़्यादा क्लियर हुए सर। और उसके बाद जो प्रैक्टिस सेशन जो भी हो मतलब आपका जो एरर वाला मतलब प्रैक्टिस सेशन, उससे हमने काफ़ी हेल्प मिला। आपको मेरा सवाल ये था कि जब आपने रिजल्ट देखा और आपको पता चला कि आपका प्रीलिम क्रैक हो गया, जनरली होता क्या है स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं कि हाँ मेरा प्रीलिम क्रैक हो गया है, घर पे बताते हैं कि हाँ मम्मी प्रीलिम क्रैक हो गया है, दोस्तों भी बताते हैं, पड़ोसी लोग भी पूछते हैं और भाई रिजल्ट आया कैसा रहा। तो जनरली इन सभी लोगों का रिएक्शन, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, इनका रिएक्शन कैसा था जब उनको पता चला कि आपका पहला स्टेज क्लियर हो गया है? श्योर मतलब पेरेंट्स का तो यही था कि मतलब कि जब भी मैंने क्लियर बताया उन्होंने तो उसका यही था कि ये ठीक है अभी मतलब कि मेहनत तो भी काफी ज्यादा कर रहे हैं। बस उनका ये था कि जो भी हो मतलब कि जो भी हो दिल से करना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हमेशा सपोर्ट करते रहते हैं मेरे को। तो उनका बस यही है कि जो भी तुम्हें अभी पीट स्टेज वन दिया, अभी पीएटी देना है, अभी तुम मेज देना है, तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, मतलब एक कॉन्फिडेंट होके कम से कम जब तक फाइनल स्टेज ना निकल जाए तब तक सर किसी ज्यादा किसी को बताना मतलब ये होता है कि वो मतलब कि अपने आप को भी लगता है कि अगर कुछ बाई चांस लक मतलब कि अगर साथ नहीं दिया तो उन लोग बोलने वाले होते हैं, लेकिन ये होता है कि अपने बस स्लोली स्लोली जो भी हो करते जाना, उसके बाद जो आगे का जो भी अचीवमेंट होगा वो तो सामने सब लोग देखेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जनरली ऐसे ही सोसाइटी, ऐसे ही परिवार की हर एक स्टूडेंट को जरूरत होती है जो उनको हर एक समय मोटिवेट करे, उनको एनकरेज करे कि नहीं अभी ये पहला स्टेज है, सेलिब्रेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसकी सेलिब्रेशन केवल चेहरे के मुस्कुराहट के बराबर है और वो लाइफ टाइम की ठहाके वाली खुशी के लिए अभी मेंस बाकी है, फिजिकल बाकी है और बहुत सारी चीजें बाकी है। लेकिन फिर भी एक स्टेज क्रैक हुआ जो कि अपने में ही एक अचीवमेंट है और धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता चला जाता है। और कहते भी है कि अगर प्रीलिम क्रैक हो गया तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाता है कि अगर प्रीलिम क्रैक कर लिया है तो अब मेंस तो 50% तो क्रैक हो ही गया, अगर फिजिकल भी ले ले तो भाई 33% तो क्रैक हो ही गया है, अब बचा ही कितना है अपने पास। तो एक अचीवमेंट ये है कि दूसरों से हम आगे हो ही जाते हैं। वैसे शिवम, जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो सबसे पहले आपको क्या क्या डिफिकल्टी आपने फेस करी अपनी इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में और उन डिफिकल्टीज से उभर कर आप सामने आए, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस करी? सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैथ और रीजनिंग तो काफी ज्यादा मतलब कि ठीक था, मतलब कि हमने वाईफाई सर साहिल से और दीपक सर से काफी ज्यादा लिया तो उनसे मैथ और रीजनिंग काफी ठीक था। मैं बस क्या था, दिक्कत हो रही थी इंग्लिश की, क्योंकि सर इंग्लिश का प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था मेरे को, मतलब कि उतने अच्छे से मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा था, या फिर मतलब उसी की वजह से मेरा मतलब कि लास्ट का हो गया सीजीएल भी, मतलब कि उसी कुछ नंबर की वजह से इंग्लिश में मतलब कि रुक गया था। तो मैंने जब फिर मेरे को लगा सर आपसे भी ज्वाइन हुआ तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि और इंग्लिश बेटर हो सकता है। फिर हमने क्या था धीरे धीरे जो भी बेसिक अपना जो भी उसको इम्प्रूव किया, उसके बाद से धीरे धीरे प्रैक्टिस सेशन जो भी हमने कहा था, जो हमने कहा था बेसिक यहाँ से क्लियर किया, फिर जो अनअकैडमी पे कहा था हमने प्रैक्टिस सेशन पे मतलब डेली लेते रहेगा और जो इससे धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट जो होगा था कि पूरा क्लियर होते गया। उसके बाद सर मेरा कि यही सारी स्ट्रेटेजी थी, उसके बाद मैंने क्वालिफाई कर लिया। क्या बात है। अच्छा अभी ये जैसे जनरली स्टूडेंट्स एक चीज ये पूछते रहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए,
कैसे सर यूट्यूब से पढ़ना चाहिए, सर ऑनलाइन ऑफलाइन सेल्फ स्टडी, चीजें मैनेज नहीं हो पाती, बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो आपने कैसे मैनेज किया कि क्लासेस भी देखी, सेल्फ स्टडी भी करी, कैसे किया ये सब? तो मैंने हर चीज़ का शेड्यूल बना के रखा था, मतलब कि सुबह मेरे को अगर करंट अफेयर देखना है तो मतलब कि दोपहर में मेरे को इंग्लिश का से देखना है, फिर शाम को मेरे को कहता है मैथ्स का देखना है, रात में रीजनिंग का, मतलब कि हर एक एक मतलब स्लॉट जो था मेरा हमेशा कहता है एक डिसिप्लिन से कहता है वो बना हुआ था, जो कि कभी भी मतलब मेरे को लगता था अगर इस कोई भी डिसिप्लिन फॉलो नहीं होता तो अपने आप को लगता था, रिग्रेट फील होता था कि आज ये डिसिप्लिन नहीं हो पाया, मतलब अपना जो टास्क था वो पूरा नहीं हो पाता था तो अपने आप को लगता था। लेकिन ये था सर पूरा डेली डेली एक रूटीन बना लेना और टास्क को कहता है हमेशा कहता है रखना कि सुबह में ये दे दिया कि आज मेरे को ये करना है, इंग्लिश मेरे को इतने चैप्टर पढ़ना है और मैथ में इतने करना है, तो बस इसी की वजह से इसी शेड्यूल की वजह से बस फॉलो करते गया सर। और क्या होता है तो क्या कभी शिवम आपको ऐसा लगा कि जैसे जनरली स्टूडेंट सोचते हैं कि नहीं यार मुझे 8 घंटे पढ़ना चाहिए, 6 घंटे पढ़ना चाहिए, 10 घंटे पढ़ना चाहिए, तो वो घंटे के हिसाब से पढ़ते, तो आपकी जो प्रिपरेशन थी वो घंटों के हिसाब से थी या आपकी प्रिपरेशन थी कि भाई मुझे इतना टास्क आज कंप्लीट करना है तो घंटे कितने भी लगे, कौन सा आपको ज्यादा कौन सा आपने प्रेफर किया? नहीं सर, मैं टास्क के हिसाब से था, मेरे को घंटे नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम तो मतलब कि ऑलरेडी 24 आवर्स है, घर वालों को पता मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो उन्होंने कोई बर्डन नहीं रखा मेरे, ना कि और भी कोई सी हूँ ना कोई फाइनेंशियल कुछ ऐसा कोई बर्डन नहीं है मेरे पे, तो मतलब मेरे को पूरा फुल टाइम था 24 आवर, मैं जैसे जैसे चाहता हूँ वैसे यूटिलाइज कर सकता, तो मेरे को टास्क था मेरे को ये टास्क आज पूरा करना है, वो सर 2 घंटे में हो जाता था, 4 घंटे में हो जाता था, हालांकि अगर टाइम बच जाता था तो मैं जो टास्क पूरा हो जाता था उसको रिवाइज कर लेता था या फिर नेक्स्ट टास्क का जो भी था उसको कहता पूरा कर लेता था, लेकिन ये कभी हावर्स नहीं कि 2 घंटे आज दिया था कल 2 घंटे पढ़ना, ऐसा कुछ सर नहीं रहता। ये बहुत बढ़िया चीज इन्होंने बताई शिवम ने कि भाई हमें टास्क के अकॉर्डिंग कि भाई आज का मेरा कंप्लीट सिलेबस, जैसे फॉर एग्जांपल देखा इन्होंने कि 6 महीने बाद पेपर है तो 6 महीने में इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो 1 महीने में इतना कंप्लीट करना है, 1 वीक में इतना कंप्लीट करना है और 1 दिन में इतना कंप्लीट करना है, तो इन्होंने उसको 1 दिन के हिसाब से डिवाइड करके कि आज के दिन का इतना सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट का इतना हिस्सा आज खत्म करना है, तो उसको इन्होंने खत्म किया, ये नहीं देखा कि उसमें 1 घंटे लग रहे हैं कि 4 घंटे लग रहे हैं, और यही होना ही चाहिए जनरली, स्टूडेंट्स को टाइम ओरिएंटेड प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको टास्क ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होता है, और जब कभी भी उनको वहां पर ये होती कि नहीं यार जब आप अगर टाइम ओरिएंटेड करते हैं तो भाई आज का काम आज के इतने घंटे पूरे हो गए, और अगर बीच में टास्क छोड़ दिया तो कल आप वहां से शुरू करेंगे तो उसमें मजा नहीं आता, जनरली अमूमन ये ऐसा ही होता है। अच्छा शिवम, जब आपने लास्ट टाइम में एकदम कि अब एग्जाम अगले दिन बचा है या 1 हफ्ते बचे, वो प्रेशर जो होता है कि यार जल्दी जल्दी खत्म कर ले, कैसे हैंडल किया थोड़ा स्टूडेंट? हाँ सर, प्रेशर तो मतलब कि लास्ट टाइम पे तो अभी भी मतलब कोई एग्जाम देने जाता हूँ तो होता है, बट ये था कि कॉन्फिडेंट होता रहता था कि मैं ये कवर हो चुका है, और लास्ट टाइम क्या होता था लास्ट 2 वीक में ये होता था कि मैं बस रिवाइज करता था, मतलब जो भी चीजें हमने पढ़ चुके हैं बस हमने कोई नोट्स जैसे वोकैब हुआ फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ले लेता हूँ तो वो कैब हो गया, या फिर मतलब कोई कॉन्सेप्ट हो गया जो नोट्स में बनाया रहता था उसको केवल रिवाइज करता था और नई चीजें कुछ नहीं पढ़ता था, केवल यही मतलब जो जो भी लास्ट 2 वीक पढ़ चुका हूँ उसी को कहता है, जितने महीने पढ़ा मतलब 5-6 महीने में जितने पढ़ा हूँ उसको कहता है क्या रिवाइज करते चला, बस वही सर स्ट्रेटेजी होती थी लास्ट 2 वीक। That's great. अच्छा, स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए शिवम आपने क्या किया, स्पीड टेस्ट लगाया और क्या किया? हाँ सर, स्पीड टेस्ट मतलब मैं डेली मतलब 1 या 2 हमेशा ट्राई करता रहता था, जो कि कहता है मेरे को, और उसमें सर ये होता था एनालाइज करता रहता था कि आज किस पे क्या किस पे ज्यादा मैक्सिमम गलती हुई या फिर क्या मैं सुधार सकता हूँ या और क्या बेटर कर सकता हूँ, तो सर इसको मतलब कि मैं डेली मतलब कि अगर 1-2 मान लीजिए टेस्ट लगाता था तो आधे घंटे जो भी मतलब उसको एनालाइज कर लेता था कि क्या क्या इसमें गलती है, और या फिर कोई मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता था तो मैं कहता था उसको नोट कर लेता था, मतलब कि अगर बाई चांस लास्ट 2 वीक अगर मेरे पास बचा हुआ है एग्जाम का तो मैं कहता उसको कहता रिवाइज कर सकते सर। ग्रेट। अच्छा, नोट्स बनाने को लेकर जनरली स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर इसका नोट्स बनाना चाहिए कि पीडीएफ से पढ़ना चाहिए, तो आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन में जो पीडीएफ वगैरह मिलती थी उसके नोट्स मेंटेन किए या आपने पीडीएफ से ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा? पीडीएफ तो मेरा मानना भी है पीडीएफ से उतना पढ़ाई नहीं हो पाता, मैंने नोट से ही किया था, अगर वो कैप तो जो था मैं नोट से ही नोट करता था और भी जितने भी सब्जेक्ट थे मैं कहता था नोट से कहता लिखता था और बाकी जो कॉन्सेप्ट होते थे उसको कहता नोट से बना के रखता था, जो कि लास्ट टाइम पे काफी ज्यादा लास्ट टाइम मतलब पीडीएफ देखना काफी ज्यादा मतलब कि अपने आप को लगता है कि इतना बर्डन हो गया कि कुछ मतलब कि लास्ट टाइम प्रेशर और हो जाता है सर, तो इसीलिए पीडीएफ तो देखा नहीं जाता था, वो नोट्स होता था जो भी एक कॉपी जो भी कुछ पढ़ने को होती थे वही देख लेते थे। ग्रेट
ग्रेट। और नोट्स बनाने का एक और बेनिफिट ये भी होता है कि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं, yes, sir. जो लास्ट मोमेंट पे केवल उन्हीं का रिवीजन किया जा सकता है, लास्ट एक वीक जब बचता है एग्जाम का। और पीडीएफ से तो पूरा ही पूरा है, आपने 6 महीने में जितना पढ़ा उसको एक हफ्ते में रिवाइज नहीं किया जा सकता है प्रैक्टिकली। तो केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही होते हैं जो आपके नोट्स के रिविजन कर सकते हैं आप, पूरे के पूरे चैप्टर आपके दिमाग में रिकॉल हो जाते हैं। और ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। अच्छा शिवम, जैसा कि आपने कहा कि आपके पास 24 आवर्स थे, फैमिली की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं था। जनरली स्टूडेंट जो लोग जॉब नहीं करते या कॉलेज नहीं जाते उनके पास भी 24 आवर्स होते हैं। तो आप अपना सुबह से लेकर सोने तक का पूरा शेड्यूल थोड़ा सा बच्चों को बताइए कि आपने क्या रूटीन फॉलो किया अपना। सर ये होता था कि मैं क्या होता है जनरली सुबह, सबसे पहले आपके सुबह उठने का टाइम थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलिए, सुबह उठने का टाइम किस समय? सर ये मतलब कि जनरली 5 o'clock मैं कहता उठ जाता था, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कि वर्कआउट मैं थोड़ा करता था फिजिकल से जो भी 6-7 तक रहता था। उसके बाद जो था मैं करंट अफेयर जो भी जनरल जीके का मैं देखता था, करंट अफेयर हुआ, उसके बाद मतलब कि सर की वीडियोस हुई वो देखता था करीब 9-10 बजे तक। फिर सर कहता है जो भी अपना ब्रेकफास्ट लेता था, फिर सर आप इंग्लिश की वीडियोज देखता था, मैंने कहता इंग्लिश के जो भी बेसिक कोर्सेज की वीडियो होगी वो देखता था। फिर जो दिन में लंच करता था सर, फिर शाम में जो होता था मैं जितना भी मतलब पढ़ा होता था उसको रिवाइज करता था दिन भर का, ठीक है। ऑफिस में शाम को करीब 6-7 बजे तक थोड़ा सा ब्रेक रहता था, उसके बाद सर मैथ्स का देखता था 7 to 9 or 9:30 PM, उसके बाद 9:30 to 12 PM तक कहता है 12 AM तक रीजनिंग देखता था सर। फिर बस खा के फिर सर सो जाता था, फिर वही सुबह 5 बजे से फिर शुरू हो जाता था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल आपका जो रूटीन रहा है काफी अच्छा और जबरदस्त रहा। बीच में आप शॉर्ट नैप नहीं लेते थे दोपहर वगैरह में, जैसे कुछ स्टूडेंट प्रिफर करते हैं कि अगर हम? हाँ सर, नहीं सर ये बता कि मेरे साथ हमेशा तो नहीं होता था, लेकिन सीजनल वाइज होता था। अगर कोई मतलब कि अगर टाइम वेदर काफी ज्यादा अच्छा है तो मतलब कि लगता था कि नहीं शॉर्ट नैप नहीं लेना चाहिए, तो आधे घंटे का शॉर्ट नैप ले लेता था, लेकिन हमेशा नहीं होता था, बहुत ही कम रेयर केस हुआ तो होता था जब नींद पूरा नहीं होता। हाँ जरूरी भी है, क्योंकि अगर सपोज आप 4-6 घंटे पढ़ रहे हो, अगर आपको थकान लगती तो आप ले सकते हैं और फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट नैप का मतलब आधा घंटा एक घंटा, ये नहीं कि 5 घंटा सो ले फिर से उसके बाद लगे, तो उसको शॉर्ट नैप नहीं कहते, छोटी सी छपकी जैसा आप ले लीजिए आधे घंटे का, दैट्स एनफ। ओके लास्ट में एक चीज और पूछना चाहेंगे शिवम की, आपने जैसा कि आपने बताया कि आपकी प्रिपरेशन यूट्यूब से और अनअकैडमी से रही, तो ओवरऑल अगर आपसे बोला जाए कि अनअकैडमी के लिए कुछ कहिए तो आपकी प्रिपरेशन में अनअकैडमी का कंट्रीब्यूशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? काफी अनअकैडमी का सर काफी रोल हुआ, मतलब कि मैंने जो भी प्रिपरेशन किया हुआ जनरली करता है अनअकैडमी से ही किया, क्योंकि मेरे जितने भी मैंने जो भी बेसिक चीजें पढ़े वो सर वो काफी ज्यादा प्लस कोर्सेस से काफी फ्रूटफुल थे सर। अपने लिए कहता है कि आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, हाँ अभी आ रही, अभी आ रही, आप बताइए। हाँ सर कह रहा था सर वही मतलब कि अनअकैडमी से जो भी मैंने प्लस कोर्सेज जो भी ज्वाइन किया था मैंने उससे तो बेसिक मतलब जो काफी ज्यादा मेरा बेसिक से ज्यादा काफी क्लियर हुआ, जिसके कह रहा था मेरे को कोई दिक्कत था कि अब तो कोई हर्डल्स उतना नहीं आया, क्योंकि सर के जो भी वीडियोस होते थे जो भी बेसिक चीजें आते थे वो काफी ज्यादा मेरे को फ्रूटफुल थे, काफी हेल्प करते थे सर अनअकैडमी से। अभी भी सर आपने कब ज्वाइन किया था अनअकैडमी, आपने कब ज्वाइन किया? सर मैंने वही सर लॉकडाउन से मतलब कि मैंने लास्ट दिसंबर 2019 से ज्वाइन किया हूं मतलब अनअकैडमी से। ग्रेट ग्रेट। अच्छा ये आपको किन्होंने बताया कि अनअकैडमी एक प्लेटफॉर्म है जहां से प्रिपरेशन की जा सकती है? किसी फ्रेंड के थ्रू आपको पता चला या आपको अपने से पता चला? नहीं सर मैं यूट्यूब से तो काफी पहले से जुड़ा हुआ वाईफाई स्टडी से सर, हालांकि जब वाईफाई स्टडी जुड़ा हुआ तो वहीं से थ्रू मेरे को अनअकैडमी के बारे में पता चला सर, बताते रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो ओवरऑल ये थे हमारे साथ शिवम। शिवम से एक और लास्ट सवाल जो जनरली स्टूडेंट्स पूछा करते रहते हैं कि सर अगर हर एक सब्जेक्ट पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हम किन किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करें जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं? वैसे तो पढ़ना कंप्लीट सिलेबस ही चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास कम टाइम बचा है तो मेनली इन इन टॉपिक्स पर अगर हम फोकस करें तो हम उस पर बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपसे कि मैथ्स में ऐसे कोई 5 टॉपिक्स जो आपके अकॉर्डिंग सबसे पहले ध्यान देना चाहिए हमें अपने लास्ट मोमेंट पे। मैथ्स में ये है कि अरिथमेटिक में ज्यादा ध्यान देना चाहिए और एलजेब्रा हो गया, तो उसके बाद क्या जो अपने डीआई आती है उसमें से काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए, और उसके बाद सर ट्रिगो हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इसके बाद सर क्या होता है मेंसुरेशंस हो गया, मतलब ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि एवरग्रीन है, मतलब हमेशा आता ही आता है, आना ही आना है इसमें से सर। और रीजनिंग में
रीजनिंग में सर नॉन वर्बल काफी ज्यादा हो, जो भी नॉन वर्बल हो गए, क्लॉक एंड कैलेंडर हो गए सर, उसके बाद सर सिटिंग अरेंजमेंट जो पजल हो गए, ये सब चीजें सर। और क्या होता है आपका जो ये नंबर सीरीज सर, नंबर सीरीज काफी ऐसे पसंद तो आने हैं। जीएस पोर्शन में, जीएस पोर्शन में सर करंट अफेयर तो एक होता ही है सर, और स्टैटिक पोर्शन आपका क्या सर रोल है कि काफी ज्यादा स्टैटिक पोर्शन सर काफी ज्यादा रोल हो गया है कि मतलब कि सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री में हो गया या पॉलिटी में देख ले या ज्योग्राफी में देख ले, इसमें जो स्टैटिक का मतलब काफी ज्यादा रोल आ गया मतलब जीएस में जहां तक दिख रहा है इधर कुछ एक दो साल से सर। राइट, और इंग्लिश में लास्ट सब्जेक्ट? इंग्लिश में सर तो मतलब कि मेरे को लगता है वोकैब तो काफी ज्यादा होता है कि वोकैब के लिए कहता है हमेशा ये वोकैब ऐसी चीज है सर, हर दो या तीन दिन में अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल सकते हैं सर, इसीलिए उसको रिवाइज करते रहते हैं। और सर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है जो भी है उसको कहता है मेरे ज्यादा नोट कर लेना चाहिए कम से कम, कि अगर लास्ट टाइम पे करता है उसको नोट्स के थ्रू कहता है मेरे को थ्रू आउट हो जाना चाहिए, जिससे जितने भी कॉन्सेप्ट जो कि आपका रिवाइज हो सके, और कहता है जो भी एरर हो या फिर फिलर हो या मिस कहता है पैराजंबल हो उसको इजीली कहता है सॉल्व कर सके तो। एग्जैक्टली, और ये जरूरी है शिवम, बच्चों को भी मैं बताना चाहूंगा जो आपके माध्यम से यहाँ पे सुन रहे हैं कि भाई आप अपनी नोट्स जब भी बनाएं आप अपनी नोट्स में हमेशा हाईलाइटर का इस्तेमाल करें, आप जो भी लिख रहे हैं लिखें लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उसको हाईलाइट करते चलें, वीक में एक बार मिनिमम एक बार तो वीक में तो रिवीजन करें ही करें, सो दैट आपको कुछ भी अगर भूला हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना तो भूल चुके हैं, फिर से इसको और अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। जिसका आप रिप्लाई दे गए उसको आप 15 दिन में रिवाइज कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई नहीं दे पाए उसको फिर वीक में 2 बार रिविजन करने की जरूरत है, सो दैट आपके एग्जाम तक वो कंटेंट आपको याद रहे। सो ओवरऑल अब लास्ट में शिवम, बच्चों को अगर आप कुछ कहना चाहें जो आपके अपने साथी हैं उनसे अगर कुछ कहना चाहें आप तो क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में? मैं आप? सर यही कहूंगा सर लाइफ में हार्डल्स काफी आते जाते हैं, हम लोग को क्या था डिमोटिवेट नहीं होते ना होना चाहिए, मतलब काफी एक बार होता है सर कि मैंने कोई वाले टेस्ट लगाया उससे नंबर कम आ गया ऐसे, तो उससे डिमोटिवेट हो जाते हैं काफी लोग, मैं खुद होता हूँ सर, तो मैं मतलब इससे डिमोटिवेट नहीं होता ना, हमें कोई भी चीज करने से पहले ये माइंड में रखना चाहिए हमें सीखने के पर्पज से करना चाहिए, जितना लर्निंग जितना चीज मतलब लर्निंग के लिए जितना ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं कर सकते हैं, अगर हम लोग कुछ कोई ईगो में आ गया या फिर मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया तो उससे कहता है कि जो भी रिजल्ट है काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो मेरे को बस यही लगता है डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपने आप को कहता है हमेशा कहता है पुश करना चाहिए और कहता है कंटिन्यू कहता है मेहनत करते रहना चाहिए। बिल्कुल, तो दो बातें, दो जबरदस्त मैसेज शिवम की तरफ से, डिमोटिवेट किसी भी सिचुएशन में ना हो और ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अगर इन दो चीजों पर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कामयाबी आपकी अपनी होगी। तो ये रहे हमारे साथ शिवम जी वाराणसी से, और इन्होंने बताई अपनी सक्सेस स्टोरी, कैसे इन्होंने सीपीयू प्रीलिम एग्जाम को क्रैक किया, अभी इनकी प्रिपरेशन मेंस एग्जामिनेशन एंड फिजिकल के लिए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाने से पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर अचीवमेंट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन शिवम, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट अदर गाइज जो भी हमारे व्यूवर्स जो भी इस क्लास इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का एग्जाम इसी साल क्रैक हो, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। And thank you. Thank you so much, sir.